गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बायोस्फीयर और रेस्क्यू सेंटर खोलने की मांग एक बार फिर उठी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बायोस्फीयर और रेस्क्यू सेंटर के लिए जिले का वातावरण ज्यादा फायदेमंद है, इससे जंगली जानवरों और विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण में मदद होगी। लोगों ने बताया अधिकारियों की उदासीनता के चलते बायोस्फीयर सेंटर बिलासपुर में खोला गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वहां गतिविधियां ना के बराबर हैं। यहां जंगली जानवरों का बहुत कई किस्म जंगली जानवर पाए जाते हैं। इंदिरा उद्यान में सन 2000 के आसपास यहां पर एक छोटा सा रेस्क्यू सेंटर था। रेस्क्यू सेंटर तो भटके हुए जानवरों का केंद्र, जो भी जानवर हिंसक हो जाते रहे या भटक जाते रहे, यहां रखने के लिए देहरादून की जो हमारी जीव विद्या टीम है वहां पर 2-3 बार आई थी। इसको रिकमेंड की थी कि भाई यही रखा जाए। यहाँ पर कम से कम 8-10 साल तक हमारे इंदिरा उद्यान में था, 250 एकड़ में फैले इंदिरा उद्यान में यहाँ पर स्थापित थी। इस इलाके में भी बहुत सारी विलुप्त प्राय वन्य जीव मिलते हैं, तो तत्कालिक रूप से किसी बड़े जू में तो नहीं ले जाया जा सकता, उसके पहले उनकी उचित देखरेख और थोड़ी वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए उन वन्य जीवों को यहाँ रखा जाए।